नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। चुनाव का दौर है, हर नेता आम जनता को रिझाने में लगा है। तो वहीं सागवाड़ा नगर से एक बड़ी घटना देखने को मिली है, जहां सागवाड़ा विधायक राम प्रसाद डिंडोर ने सागवाड़ा के ही एक अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित लबाना को कहासुनी के बाद थप्पड़ जड़ दिया है। डॉक्टर लबाना का कहना है कि विधायक अस्पताल में आए थे, जिसके बाद वह किसी बात को लेकर गुस्सा हो गए और उन्होंने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। डॉक्टर ने आगे बताया कि वह विधायक के खिलाफ पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे। इस घटना को लेकर जब विधायक से बात की तो विधायक ने डॉक्टरों पर रोगियों से ज्यादा पैसा मांगने की शिकायत की और साथ ही सरकारी डॉक्टर के निजी अस्पताल में सेवाएं देने के कारण आम लोगों को परेशानी होने की बात भी कही। विधायक ने बताया कि साबला निवासी अंजू प्रभुलाल ननोमा की इसी शिकायत के सुनवाई के लिए वह अस्पताल गए थे, लेकिन वहां कहासुनी हो गई। आपको बता दें कि मौके पर जानकारी मिलने पर थाना अधिकारी अजय सिंह राव अस्पताल पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। आपको बता दें कि इस संबंध में डॉक्टर से पूछने पर उन्होंने क्या कहा, ये भी आप सुन लीजिए। एमएलए साहब नीचे राउंड लेने आए कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैं नीचे गया, नीचे मैं पोस्ट ऑफ वार्ड में गया, ऑपरेशन वाले वार्ड में। तो वहाँ किसी एक पेशेंट ने जिसका मैंने ऑपरेशन किया था, उसने शिकायत की कि मैंने उससे पैसे लिए, जबकि मैंने बोला मैंने पैसे नहीं लिए थे। उसने बोला किसी सिस्टर को पैसे दिए। हम ऐसे ही बात कर रहे थे, इस बीच एमएलए साहब भी मेरे सामने खड़े थे, पीएमओ साहब भी पास में खड़े थे हमारे। एमएलए साहब ने मेरे से बिना बात के हम ऐसे ही बात ही कर रहे थे और मेरे को एक थप्पड़ मार दिया था उसने, ठीक है ना। फिर थोड़ी बहुत और फिर वो गाली गलौज करने लग गए, तुम ऐसा करता है तेरे को मैं देख लूँगा। मेरे को धमकी भरी आवाज़ में उन्होंने बात की, मेरे को बहुत सारी धमकियाँ दी, तेरे को देख लूँगा, तू लोगों ने ऐसा किए वो, ठीक है। फिर मैं अपने साइड में आ गया, मैंने कहा इनसे बात करेंगे तो बात और आगे बढ़ेगी। सुना आपने क्या कहा डॉक्टर रोहित ने? उसी मामले को लेकर जब हमने सागवाड़ा विधायक राम प्रसाद डिंडोर से बात की तो उन्होंने क्या कहा, ये भी आप सुनिए। के अंदर इतनी अव्यवस्था फैली हुई है, तो हम उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे भाई इस तरह से लोगों के साथ में व्यवहार मत करो, पैसा मत लो। तो उसमें इसमें कोई किसी भी तरह का कोई आरोप लगाए तो बिल्कुल सरासर गलत है, और हम कोशिश करेंगे लगातार कि लोगों के साथ जो अन्याय हो उसको रोकने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं उनको समझाएं, और फिर भी नहीं मानेंगे तो हमको कुछ भी बोलना पड़ सकता है, करना पड़ सकता है। लेकिन हम लोगों के हित के लिए चाहते हैं कि उनकी सारी सुविधा उनको उपलब्ध हो और उनको सारे डॉक्टर्स से उनका भी हम रेस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ भी हम कोई बेइज्जती नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि वो लोगों के साथ व्यवहार अच्छा करें, इस वजह से हमने हम उनके साथ में जो हमने समझाने का प्रयास किया है, इसलिए हमने ऐसा कोई उनके साथ में ऐसा कदम नहीं किया है। तो ऐसा है, लंबे समय से मेरे पास शिकायतें आई थी सागवाड़ा में पहले भी ऐसे कांड हो गया था जिसमें डिलीवरी हर डिलीवरी के 6-7 हज़ार रुपये ले रहे थे, तो पहले से ही परेशान थे। वहाँ हमने उनको समझाने का प्रयास किया था, तो और उनसे लिखवा दिया आगे से नहीं करेंगे। लेकिन हमने देखा लगातार ऐसा हॉस्पिटल में शिकायत लगातार आ रही थी कि लोगों पे ये डिलीवरी, और क्या हो रहा है यहाँ तो ऐसा होता है, फिर प्राइवेट भी भेज देते हैं और वो जाके वो सिंपल डिलीवरी कराते हैं और ये पैसा लेके यहाँ करवाते हैं। तो इस तरह के उनको डरा धमका करके ये जो कार्रवाई कर रहे थे, उसमें दो लोग हमारे अभी भी हमारे पास शिकायत आई तुरंत, ये अंजू प्रभुलाल नेनमा करके था, दोनों ही विकलांग है बेचारे, उन दोनों विकलांग से 5,000 रुपया लिया। उस शिकायत पे मेरे को धरना पड़ा और वहाँ पे स्थिति ये हुई कि जब बात करने से उन पेशेंट जो थे उनको भी डरा धमका रहे थे और हमारे सामने भी उलझ गए। तो हमने कोशिश किया उनको, क्योंकि मैं विधायक हूँ सागवाड़ा का, तो मुझे उनको समझाना ज़रूरी था, तो गार्जियन के हिसाब से मैंने उनको समझाया कि इस तरह का जो लोग परेशान हैं इस कोरोना काल में परेशान हो, लोगों के साथ में इस तरह का व्यवहार करके। अब डॉक्टर आरोप लगा रहे हैं विधायक ने थप्पड़ जड़ा और विधायक कह रहे हैं कि हमने नहीं मारा। आपको बता दें कि इस संबंध में पीएमओ डॉक्टर राजाराम मीना ने घटना की पुष्टि की है, साथ ही अभी डॉक्टरों की काम की बहिष्कार के बारे में कोई जानकारी नहीं होना बताया है। गौरतलब है कि जिले भर में नगर निकाय चुनाव के कारण सभी की नजर राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं पर गड़ी हुई है। ऐसे में सागवाड़ा विधायक राम प्रसाद डिंडोर की यह हरकत का खामियाजा कहीं पार्टी पर भारी न पड़े। अब आखिर में
लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC News का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC News का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।